स्मार्ट यूनिट थर्ड लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सी। सो वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 पंचायती राज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट और सिविक्स। ओके लेट्स रीड। व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? हाउ आर डिसीजंस मेड? लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। हेयर वी लुक एट द ग्राम सभा, विच इज अ मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सीक आंसर्स फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सी ग्राम सभा इन विलेज। सो इट्स अ स्पेशल डे टुडे। एवरीवन्स रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। डू यू नो व्हाई? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस। इन सम स्टेट्स एज इन द एग्जाम्पल अबव, अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the Gram Sabha. The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. Gram Sabha. The Gram Sabha meeting begins with the panchayat president, who is also called the Sarpanch, and the members of the panchayat, the Panch, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages. तो people जो हैं लोग अब अपना representative choose कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? Rural areas में चुने गए representatives द्वारा decision कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव से जवाब मांगते हैं, आंसर मांगते हैं। ठीक है, तो आज का दिन बड़ा खास है। सारे लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के इलेक्शन के बाद आज फर्स्ट टाइम ग्राम सभा की बैठक हो रही है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग है ना, मीटिंग रखी जा रही है पंचायत का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद। ठीक है, हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि जो न्यू पंचायत है ना, नई पंचायत ने उनके लिए क्या प्लान बनाया है। ठीक है, तो ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा एक पंचायत के एरिया में रहने वाले सभी एडल्ट की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो, एक विलेज, या एक से ज्यादा विलेज हो। जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि कई स्टेट्स में हर विलेज की ग्राम सभा की मीटिंग अलग होती है। कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 इयर्स या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम ग्राम की है ना, गांव की, विलेज की वोटिंग लिस्ट में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, मेंबर होता है। ठीक है, अब ग्राम सभा के बारे में देखें। ग्राम सभा की मीटिंग की शुरुआत में सरपंच और पंच है ना, ने सड़क रोड की रिपेयरिंग पर होने वाले खर्चे का पूरा प्लान का को प्रेजेंट किया। तो ये जो रोड थी वो विलेज को मेन हाईवे से जोड़ती है। इसके बाद वाटर की शॉर्टेज पर डिस्कशन होने लगी है ना, तो विलेज में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया कि हमारे विलेज में पानी की स्कार्सिटी मींस कमी है ना, पानी की कमी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हैंडपंप का वाटर जमीन में बहुत नीचे तक चला गया है, अंडरग्राउंड है ना, मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत वाटर आ पाता है। तो लेडीज को 3 किलोमीटर दूर शुरू रिवर से पानी लाने को जाना पड़ता है। तो एक सदस्य ने ये एडवाइस दी कि सुरु नदी का पानी पाइप से है ना, सुरु नदी का जो वाटर है वो पाइप से लाकर विलेज में एक बड़ी सी
बड़ा सा टैंक में भर लेते हैं, ठीक है। सुरु नदी का ही जो पानी था वो बड़े से टैंक में भर लेते हैं, तो उससे पानी की कमी भी दूर हो जाएगी। लेकिन दूसरों लोगों को, वहां जो बैठे हुए थे ग्राम सभा में, उन लोगों को ये लगा कि ये बहुत कॉस्टली हो सकता है ना, महंगा पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि इस ईयर के लिए हैंड पंप और गहरे कर लेते हैं और डीप खुदाई करा देते हैं उनकी, है ना, और जो वेल्स हैं उनको क्लीन करा देते हैं, कुओं को साफ करा देते हैं। तो तिजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ परमानेंट व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी जो वाटर है उसका लेवल वो नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना वाटर जमीन में रिस के जाता है ना, रिसता है पानी, हम उससे ज्यादा यूज करते हैं। तो ग्राम सभा के एक और मेंबर अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में, महाराष्ट्र के एक विलेज में कंजर्विंग वाटर मींस पानी संरक्षण की, पानी कैसा बचाया जाए, है ना, कंजर्विंग वाटर के नए नए तरीके देखे हैं। तो वो उस विलेज में अपने ब्रदर से मिलने गया था, तो उसको वाटर शेड डेवलपमेंट है ना, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, ठीक है, वाटरशेड जिसको कहते हैं, उसने सुना था कि सरकार ने, गवर्नमेंट के ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके ब्रदर के विलेज में लोगों ने ट्री प्लांट किए थे, पेड़ लगाए थे, है ना, और ड्रेन्स पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे और टैंक्स भी बनाए थे। तो सबको अनवर का कि यह जो विचार था उसका, यह जो एडवाइस थी, ये बहुत अच्छी लगी। सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा, ठीक है। यहाँ कुछ और भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, कि एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, है ना, एक ग्राम पंचायत, प्रत्येक ग्राम पंचायत कई वार्ड में डिवाइड होता है, और प्रत्येक वार्ड अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है जो वार्ड मेंबर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत एरिया के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का लीडर होता है, मुखिया होता है, ठीक है, या उसे हम मुखिया या पंचायत प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, है ना, मुखिया होता है। तो वार्ड मेंबर और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 इयर्स के लिए करते हैं, 5 साल के लिए। ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है जिसे हम हिंदी में सचिव भी कहते हैं, ठीक है। तो सचिव का चुनाव नहीं होता है ना, उसको उसकी गवर्नमेंट द्वारा नियुक्ति की जाती है ना, अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सचिव का, सेक्रेटरी का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग को बुलाना, और जो भी वहां डिस्कशन हो रहा है और जो भी वहां पर निर्णय लिया गया है ना, डिस्कशन हो या निर्णय लिया जाता है उसका रिकॉर्ड रखना, ये सेक्रेटरी का काम होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि व्हाट आर ग्राम सभा, है ना, हमने इतनी स्टोरी पढ़ी, तो ग्राम सभा क्या होती है, ये आंसर आप फाइंड करेंगे। एंड सेकंड, इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा सो फार व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन आर बीइंग सजेस्टेड। ग्राम सभा की मीटिंग में अब तक कौन सी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन किया गया, अभी जो हमने पढ़ा, तो कौन सी समस्याओं पर डिस्कशन किया गया ये आप फाइंड करेंगे, और उनके किस तरह के सजेशन, सॉल्यूशन के लिए किस तरह के सजेशन बताए गए, है ना। फिर यहां देखें और दिया हुआ है कि द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ओके, तो ग्राम सभा में डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट एजेंडा, अगला मुद्दा था कि गरीबी रेखा, है ना, बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का फुल फॉर्म है बिलो द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी मीन्स गरीबी और बिलो मीन्स नीचे, है ना, गरीबी रेखा के नीचे, पॉवर्टी लाइन्स मीन्स गरीबी रेखा, गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग, है ना। तो गरीबी रेखा रेखा के नीचे आने वाले लोगों की लिस्ट पर, है ना, स्वीकृति लेना, ठीक है, या उसे अप्रूव करना। जैसे ही लिस्ट में
एड नेम, है ना, जो उसमें नेम ऐड किए गए थे, पढ़ने शुरू किए गए, तो लोगों के बीच में आपस में बातें होने लगी। तो नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन कलर्ड टीवी खरीदा था, नटवर ने अभी ही एक कलर्ड टीवी खरीदा था, और उसके बेटे ने एक न्यू मोटरसाइकिल भी भेजी है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? वो आपस में वहां जो ग्राम सभा में लोग बैठे हुए थे उनके बीच में ये चर्चा होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, ये कैसे आ सकता है। तो इस सूची में तो सिर्फ पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी, गरीबी, गरीब लोग ही होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, है ना, एक लेबर है, उसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है, गरीबी रेखा में। ठीक है, सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के फ्रेंड है। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब बहुत सारी जमीनों का मालिक भी है, है ना, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो लिस्ट में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में वहां पर खुसर पुसर हो रही थी, बातें हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहो। तो सरोज ने सूरजमल को प्रवोक करने की कोशिश की, प्रवोक मींस होता है उकसाना, है ना, उकसाने की कोशिश की। वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद विलेज सॉरी ग्राम सभा में बैठा पर सब पर नजर रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम लिस्ट में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि हाँ, ओम प्रकाश का परिवार तो बहुत ज्यादा पुअर है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं था? जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, है ना, तो उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था, वो शायद कहीं काम की तलाश के लिए चला गया था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की जो फैमिली की इनकम है ना, वो देखी सरपंच ने। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की फैमिली इनकम देखी जाएगी और अगर वह गवर्नमेंट द्वारा तय की गई, है ना, इनकम से कम है तो उसका नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बॉक्स में एक और चीज दी गई है कि ग्राम पंचायत पूरे विलेज के हित में, है ना, निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके इसमें ग्राम सभा का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ग्राम सभा की मीटिंग में ग्राम पंचायत अपने प्लान लोगों के सामने रखते हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकता है, साथ ही मनी का जो दुरुपयोग होता है ना, पैसों का जो दुरुपयोग और कोई गलत काम ना हो, इसका सुपरविजन भी करता है। तो इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, टुमारो वी विल रीड अबाउट ग्राम पंचायत।